हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करी इमली की चटनी की रेसिपी, जिसे हम आज घर में ही बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप इमली लिया है, आप इमली की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इमली को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में सोक करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप के लगभग गर्म पानी डाला है इसमें और इसे घंटे के लिए सोक करेंगे। और जब इमली इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो अगर इसमें सीड्स हो तो आप इसे निकालें, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली के पेस्ट को ब्लेंड कर दिया है। अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे, छान लेंगे। मैं एक स्ट्रेनर ले रही हूँ। अब इसमें हम इमली के पल्प को डाल देंगे। इसके बाद इस तरह हम करते हुए इसको थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, ताकि क्या ये स्मूथ हो जाए पेस्ट इसका। और इस तरीके से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से, इसके सारे पल्प को। मैं टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं आपके साथ, वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे इमली के पल्प को इसी तरीके से स्ट्रेन कर लिया है। अब हमें इमली को पकाना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया एक पैन, और यहाँ पे हम डालेंगे इमली का पल्प जो हमने स्ट्रेन किया है, और इसको हम एक अच्छा बॉईल आने तक पकाएंगे। जब इस तरीके से बॉईल आने लगे ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहिए, ताकि कहीं पैन वगैरह में लग ना जाए। तो जब इस तरीके से ये झाग निकलने लगेंगे ना इमली में से, तब इसके बाद हमें इसमें गुड़ मिक्स करना है। आप ध्यान रखिए, पहले जब तक इसमें से एक झाग नहीं आता, हल्का थिक लेयर नहीं लगने लगता है आपको, उसके बाद ही आपको गुड़ डालना है इसमें। जब इमली आपको हल्की से थिक लगने लगे ना, तब इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो आधा कप मैंने यहाँ पे इमली लिया था, और 1 कप मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर जिससे भी आप क्वांटिटी नापें, एक कटोरी या बाउल सेट कर लें, उसी से बनाएं। तो इसको हम लगातार कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। तो जब इस तरीके से थिक हो जाएगी ना चटनी, तो एक बार आप किसी स्पैचुला या चम्मच से चला के देख लें, एक पतली सी कोटिंग होनी चाहिए। तो जब इस तरीके से एक पतली सी कोटिंग होने लगे ना, तब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ 1/2 चम्मच मैंने ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है, और 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच यहाँ पे सौंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर जिसे बोलते हैं। और इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसको चलाते रहे साथ में। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है, तो थोड़ा सा आपको पतला रखना होगा। जब इस तरीके से उस पर कोटिंग हो जाए ना अच्छे से, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, और आप किसी भी बाउल वगैरह में इसको ट्रांसफर कर लें। तो यहाँ पे रेडी है हमारी इमली की चटनी। आप इसे किसी भी चाट वगैरह, समोसे, स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं।